मार्केट में एसएसपी साहब और मैं दोनों हैं यहाँ, और पूरी हमारी जो टीम सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में है। तो इसका मकसद है जो यहाँ एक तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऑर्डर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद 144 का ऑर्डर कल निकाला गया है, तो जिसमें 5-6 से ज़्यादा लोगों की असेंबली को बैन किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि दिस इज अनदर स्टेप फॉरवर्ड फॉर कोविड कंटेनमेंट। तो जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस में एक स्पाइक देखी जा रही है श्रीनगर जिले में, तो ये करना जरूरी है। और मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी लोगों से कि इसका ये ऑर्डर जो है आवाम के इंटरेस्ट में है, और आवाम की हिफाजत हमारा फर्ज है, और हम किसी सूरत में भी आवाम की सिक्योरिटी पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनकी हेल्थ सिक्योरिटी पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर, कई सारे इलाकों से वॉयलेशन रिपोर्ट की जा रही है, गाड़ियों में एसओपीज नहीं फॉलो की जा रही, क्या पास जो है वो 100% डाल है। देखिए सर, उनके लिए क्या आपके आज के दिन में आपने इनिशिएटिव किया? वायलेशन जहाँ जहाँ रिपोर्ट होते हैं वहाँ एक्शन होता है, कार्रवाई होती है। और इस वक्त सिविल पुलिस की जो टीमें हैं मजिस्ट्रेट और एजुकेशन ग्राउंड पर हैं, जहाँ जहाँ वायलेशन नजर आ रहे हैं वहाँ कार्रवाई होती है। इन फ्यूचर क्या हम देख सकते हैं कि और रिस्ट्रिक्शन बढ़ेंगे, क्योंकि आज 144 तो सिर्फ असेंबली पर है, क्या आगे शॉप्स पर भी कोई बैन लगाया जा सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं इमीडिएटली इस वक्त नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें फैसला जो है काफ़ी डिफरेंट लेवल पर सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर ही किया जाता है, और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो डायरेक्शन है वो टाइम टू टाइम आती रहती है। और डेफिनेटली आपने देखा होगा कि ये एक डायनेमिक सिचुएशन है, इसमें कुछ भी आपको अभी बताना, इस सवाल का जवाब देना तो मुमकिन।